हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, सेंटर फ्लोट्स न्यू साइंस अवार्ड्स, तो देखते हैं क्या है। द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार टू हैव 3 विज्ञान रत्न, 25 विज्ञान श्री, 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर एंड 3 विज्ञान टीम अवार्ड। द विनर्स विल बी अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन May 11, विच इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो देखिए, ये सारे सारे साइंस के अवार्ड अभी रिसेंटली इन्होंने बनाए हैं और ये सारे दिए जाएंगे 11 मई को, जो है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नियरली अ ईयर आफ्टर डिसाइडिंग टू कट द नंबर ऑफ प्राइजेस एनुअली अवार्डेड बाय इट्स मिनिस्ट्रीज, द यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू इंस्टीट्यूट अ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। 56 प्राइजेस ये सारे मिलाई है। आप देखिए, 56, ये 25 25 50 प्लस 3 विज्ञान रत्न एंड 3 विज्ञान टीम अवार्ड। तो 56 prizes to facilitate scientists, technologists, and innovators. Akin to be prestigious Padma Awards, these awards will not be included in any cash component. Instead, they will be likely bestowed a certificate and medallion on the awardee. तो मतलब इसमें कोई कैश कंपोनेंट नहीं रहेगा, बस अवार्ड दिया जाएगा उनको अप्रिशिएट करने के लिए, ये बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल सीन बाय द हिंदू, विच इज येट टू मेड पब्लिक, द RVP विल कॉम्प्रोमाइज 3 विज्ञान रत्न, 25 ज्ञान श्री, 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर एंड 3 विज्ञान टीम अवार्ड्स। मल्टी डिसिप्लिनरी प्राइजेस, दिस प्राइज विल बी अवार्डेड एनुअली फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड 13th कैटेगरी सिंपली कॉल्स अदर्स। तो इन सारे कैटेगरीज में ये सारे अवार्ड बांटे जाएंगे। इट मे बी इंश्योर दैट ईच डोमेन मे बी रिप्रेजेंटेड एडुकेटली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मे ऑल्सो भी इंश्योर्ड। ठीक है, सेट द प्रपोजल फॉरवर्डेड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री। द 56 प्रपोज अवार्ड आर stark reduction from almost 300 science prizes that used to be given to union ministries. In their previous avatar, the prize also have had a significant cash component. The Shanti Swarup Bhatnagar SSB award given by the Council of Scientific and Industrial Research CSIR since 1958 now includes 5 lakh rupees per winner as well as a salary perk. In fact, the government announced the name of 12 winner of SSB award just last week after a year's delay. The National Technology Award given to team by the Technology Development Board and DST also include cash prize worth of 25 lakh. So, ye 25 lakh isliye kyunki ye puri team ke liye hai. The new award will also be open to person of Indian origin through maximum one such may be awarded the Vigyan Ratna, while 3 PIOs each can be selected for Vigyan Sri N. ये आपका जो आपका VYSSB है। However, PIOs will not be eligible for Vigyan Team Award, क्योंकि वो टीम का अवार्ड सिर्फ इंडियंस को मिलेगा। The Vigyan Ratna Award shall be lifetime contribution along with excellence made in the field, in any field of science. The Vigyan Sri for distinguished contribution in to any field, and the SSB for exceptional contribution by young scientist. The team award shall be for 3 or more researchers who have made an exceptional contribution as a team. There are no age limit for the prize except the SSB, for which the recipient must be 45 years or younger. Starting in 2024, the award will be announced annually on May 11, which is National Technology Day, and will be awarded to National Space Day August 23. मतलब इस दिन डिक्लेयर होगा, आपका अनाउंसमेंट होगी 11 मई को और August 23 को ये आपका दिया जाएगा, जो है आपका नेशनल स्पेस डे। दीज आर द डेज ऑन विच इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। ओके, ये सारे डेज वही है जब न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली हुआ था। एंड देन कैप्चर कैटापुलेटेड द चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर ऑन द मून दिस ईयर। ओके, तब ये आपका स्पेस वाला इस वजह से। द RVP अवार्ड विच विल कमेंस फ्रॉम 2024 विल बी
given by president or vice president according to the proposal. A committee will be constituted every year comprising of secretaries of six science ministries up to four presidents of science and engineering academies. The six distinguished scientists and technologists from various fields. The CSIR will coordinate the administration of the award process of 2 year, after which it will be taken over by the proposed National Research Foundation. तो इस आर्टिकल में देखते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले ये थ्री विज्ञान रत्न है, 25 विज्ञान श्री है, 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर है, और 3 विज्ञान टीम अवार्ड है हमारा. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. टोटल 56 प्राइजेस है. अब देखिए यहाँ पर शायद मैंने कुछ गलत बोला था. नियरली आफ्टर नंबर ऑफ प्राइजेस सेट टू इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी प्रेस्टीजियस पद्म अवार्ड, दिस अवार्ड विल नॉट इंक्लूड एनी कैश कंपोनेंट्स. ठीक है, तो ये 3 अवार्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. किस फील्ड्स में दिया जाएगा, आप देखिए साइंस एंड टेक में, बायो के फील्ड में दिया जाएगा, और यहाँ पे कैश कंपोनेंट्स यहाँ पे दिया है. PIOs आपके टीम वर्क के लिए नहीं है, बाकियों के लिए है. और ये कौन से दिन अनाउंस होगा, आप देखिए मई 11 को होगा, अगस्त 23 को दिया जाएगा, जो क्या है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे एंड नेशनल स्पेस डे. यहाँ पे उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है. 2024 से होगा, देगा कौन, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट देंगे आपके. और आप देखिए यहाँ पे कमिटी बनेगी, हर साल बनेगी, जो सिक्स साइंस मिनिस्ट्रीज होंगे उसमें अप टू फोर प्रेसिडेंट्स ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एकेडमिक्स एंड सिक्स. ये आप देख लीजिए, ये इसका कमिटी का वो है कैसे कैसे मेंबर्स होंगे. पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये नाम हो जाता है और इनका फील हो जाता है, और ये किस दिन मिलेगा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स.